नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के इस ट्यूटोरियल में। और जैसा कि पहले ट्यूटोरियल्स की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि डायोड, रेजिस्टर या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं या इनका क्या यूज़ होता है, तो मैंने इनके बारे में आपको बताया था। और आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इन कंपोनेंट्स को टेस्ट करने के लिए वीडियो बनाइए, सो ये वीडियो उसी के लिए है। तो यहाँ पे हम टेस्ट करने वाले हैं जैसे कि रेजिस्टर्स, डायोड, एलईडीज़ और वोल्टेज रेगुलेटर, ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर या फिर फ्यूज़। तो इस टाइप के जितने भी कंपोनेंट हैं यहाँ पे, हम इनको एक एक करके टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो मल्टीमीटर्स हैं, जैसे कि मेरे पास एक ये ऑटोमेटिक रेंजिंग मल्टीमीटर है, बट इसका यूज़ मैं ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि ये हर किसी के पास ऐसा मल्टीमीटर है नहीं। और अगर मैं इससे आपको दिखाता हूँ तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, और इसीलिए मैं इस सिंपल मल्टीमीटर का यूज़ करने जा रहा हूँ जो कि बेसिकली लगभग हर किसी के पास होगा। या फिर अगर आपके पास इससे अलग भी है तो हो सकता है कि आपके पास ऐसा रेंजिंग वाला मल्टीमीटर हो। इसी रीज़न की वजह से मैं इस मल्टीमीटर को यूज़ नहीं करूँगा। जो कुछ इसमें स्पेशल मेज़रमेंट है जैसे कि कैपेसिटर्स वगैरह, तो उसकी टेस्टिंग के लिए मैं इस मल्टीमीटर का यूज़ करूँगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कोई भी कंपोनेंट टेस्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई भी कंपोनेंट टेस्ट कर रहे हैं तो ये बेहतर होता है कि उसमें से जो भी पावर सप्लाई है या फिर जो उसमें पावर लगी है उसको हमेशा ही हटा देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका मल्टीमीटर ख़राब हो सकता है, प्लस जो आपके मेज़रमेंट अगर गलती से आती भी हैं तो वो भी सही नहीं होंगी। तो इसलिए आप जो भी कंपोनेंट टेस्ट करने जा रहे हैं उसको सबसे पहले पावर सोर्स से हमें हटा देना चाहिए। दूसरा, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी आप कंपोनेंट टेस्ट कर रहे हैं, अगर वो पीसीबी में लगा हुआ है या किसी सर्किट में लगा हुआ है, तो उसे आपको उस सर्किट से निकालना होगा। जैसे कि अगर आपको डायोड टेस्ट करना है तो बेसिकली डायोड या फ्यूज़ तो मेनली आप कर भी सकते हैं, बट और जो कंपोनेंट्स हैं जैसे कैपेसिटर्स या फिर सिंपल रेजिस्टर वगैरह या और भी कंपोनेंट, उन सबको आपको बाहर निकालना होता है उस सर्किट से, उन सर्किट से आइसोलेट करना होता है। अदरवाइज़ जो आपको रीडिंग मिलेगी वो गलत होगी और आप उसको सही तरीके से टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं, उनको सबसे पहले आपको उस सर्किट से हटाना होगा। उसके बाद जैसे कि कुछ खास चीज़ें हैं जैसे कि कैपेसिटर, इंडक्टर्स या वोल्टेज रेगुलेटर या फिर ट्रांजिस्टर, इनको आप बेसिकली सिर्फ टेस्ट करके या फिर मल्टीमीटर से ऐसे ही आप इसको टेस्ट नहीं कर सकते। और जैसे कि कैपेसिटर और इंडक्टर्स हैं, इनको बेसिकली टेस्ट करने के लिए आपको स्पेशल मल्टीमीटर्स का यूज़ करना होता है। जैसे कि यहाँ पर जो मेरे पास ये मल्टीमीटर है, इसमें हम कैपेसिटर टेस्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से छोटे इंडक्टर या कैपेसिटर को हम बिना किसी स्पेशल मल्टीमीटर के भी टेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो हम ये नहीं उससे टेस्ट कर सकते कि कैपेसिटर कितने माइक्रोफेरेट का है, बट हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कैपेसिटर है वो सही है या नहीं। कुछ हद तक हमें आइडिया मिल जाएगा उस टेस्टिंग से कि जो कैपेसिटर या इंडक्टर है या फिर जो भी कंपोनेंट है जो कि मल्टीमीटर से टेस्ट नहीं कर सकते, उसको हम बिना मल्टीमीटर के या फिर किसी अल्टरनेट तरीके से कैसे टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फ्यूज़ से। जैसा कि आप फ्यूज़ के बारे में जानते ही होंगे, फ्यूज़ बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए जो यूज़ होता है, और फ्यूज़ लगभग हर कंपोनेंट में या हर अप्लायंस में लगा होता है। फ्यूज़ का बेसिकली काम ये होता है कि ये करंट को लिमिट करता है, ये करंट को एक लिमिटेड अमाउंट में फ़्लो करने देता है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर हमारे डिवाइस पे 6 एम्पियर ही फ़्लो करना है, उससे ज़्यादा फ़्लो नहीं करना, तो हम 6 एम्पियर का फ्यूज़ यूज़ करते हैं। तो जैसे ही अगर 6 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ़्लो होता है फ्यूज़ में, जो तार होता है छोटा सा, जो फ्यूज़ में पतला सा वायर होता है वो ब्लो हो जाता है और इस तरीके से हमारा कंपोनेंट बच जाता है। तो फ्यूज़ को टेस्ट करने का बहुत तरीका इजी है। हमें मल्टीमीटर को बज़र, बीप मोड या फिर डायोड मोड में या फिर कंटिन्यूटी टेस्ट मोड में स्विच करना होता है। जैसे कि इस मल्टीमीटर में यहाँ पे है, तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो इसको सेट करने के बाद अब हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि लीड्स को आपको चेक कर लेना है कि मल्टीमीटर सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। जैसा कि अगर आपको बीप मिलती है, मतलब सब कुछ ओके है। उसके बाद आपको फ्यूज़ को लेना है, और ख़ास ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्यूज़ में कोई प्लस माइनस नहीं होता, तो आप कोई भी प्लस या माइनस जो भी लीड है आप उसको यूज़ कर सकते हैं और किसी भी साइड से इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसे टच करते हैं
तो सिंपली आपको यहाँ पे बीप मिलेगी। और वैसे तो फ्यूज़ कोई रेजिस्टर या कुछ उस टाइप की चीज़ नहीं होती, जस्ट एक वायर होता है। बट खास बात यह है कि ये वायर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि एक लिमिटेड अमाउंट में ही करंट इसके थ्रू फ्लो हो सकता है, तो ये फ्यूज़ का काम होता है। सो ऐसे ही हमारे पास ये दूसरा फ्यूज़ है जो कि बेसिकली कार या ऑटोमोबाइल्स वगैरह में होता है, वैसे इसे ऑटोमोटिव फ्यूज़ बोलते हैं। सो ये भी इसी तरह बिल्कुल हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। इस टाइप के फ्यूज़ आपको बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स में देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपका जो फिलामेंट है या फिर जो फ्यूज़ का मेन वायर है वो आप इसमें सिंपली देख सकते हैं। सो अगर हम इसको भी टेस्ट करते हैं तो ये भी फ्यूज़ ओके है। उसके बाद हम रेजिस्टर्स को टेस्ट करेंगे कि जो रेजिस्टर्स हैं इनको कैसे टेस्ट किया जाता है। तो रेजिस्टर्स को चेक करने के लिए आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप रेजिस्टर्स को टेस्ट करें आप एक उंगली से इस तरीके से आप टच कर सकते हैं एक साइड, बट जो सेकेंड साइड है रेजिस्टर्स की उसको आपको टच नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो आपका बॉडी का रेजिस्टेंस है जो कि हमेशा चेंज होता रहता है, तो हर टाइम हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस जो है बदलता रहता है, वो इसके पैरेलल में लग जाएगा और जो हमारे पास रीडिंग आएंगी वो गलत होगी। इसलिए हमेशा आपको एक साइड में आप टच कर सकते हैं बट एक साइड में आपको ऐसे ओपन रखना होगा, उसमें आपको कंडक्टर्स में टच नहीं करना होगा। तो रेजिस्टर्स को नापने के लिए सबसे पहले आपको हाईएस्ट रीडिंग में जा सकते हैं या फिर लो से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो मेरे पास रेजिस्टर है ये बहुत ज़्यादा ओम का है, जैसे कि ये 1 मेगा ओम का रेजिस्टर है। सो इसको ट्राई करते हैं। जैसा कि हमने इसे 2000 किलो ओम पे सेट कर रखा है और अगर हम इसमें टेस्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे 1000 मिल रहा है। सो 1000 और के मतलब 1000 जो कि इक्वल हुआ 1 मेगा ओम। ऐसे ही इसको हम इस मल्टीमीटर से भी टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो रीडिंग्स आती हैं वो बहुत इजी होती हैं पढ़ने में। जैसे कि इसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया, सो यहाँ पे हमें रीडिंग मिल रही है 1 मेगा ओम। सो 1.009 मेगा ओम का यहाँ पे रेजिस्टर है। इसी तरह हम दूसरे रेजिस्टर्स को भी मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक ये अननोन रेजिस्टर है। सो इसे भी हम इसी तरीके से टेस्ट करेंगे। और यहाँ पे खास ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ पे जो सेकेंड साइड है यानी कि जो सेकेंड साइड है वहाँ पर मैं इसे टच नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मेरी बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। इस एग्जांपल के लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 1 मेगा ओम का रेजिस्टर है और मैंने यहाँ पे मेज़रमेंट लिया और यहाँ पे मेज़रमेंट आ रहा है 1 मेगा ओम, और जैसे ही मैं अपनी बॉडी का रेजिस्टेंस इसके साथ में रखता हूँ आप देखेंगे कि किस तरीके से जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस समझ लीजिए कि आधा हो गया है। और सो यही प्रॉब्लम है कि जब भी आप मेज़रमेंट लें इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको कभी भी जो साइड है आपकी, एक साइड पे आप टच कर सकते हैं बट सेकंड साइड पे आपको उंगली से टच नहीं करना है। सो आपको प्रॉपर रीडिंग मिलेगी। इसी तरह हम दूसरे रेजिस्टर्स भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये रेजिस्टर 10 किलो ओम का है, तो अगर हमें इस वाले मल्टीमीटर से इसे नापना हो तो इसके लिए हमें रेंज सेट करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारा रजिस्टर 10 किलो ओम का था तो हम प्रिसाइजली इस पे 20K यानी कि 20 किलो ओम वाले रेंज पे टेस्ट कर सकते हैं। तो हम इसे 20 किलो ओम पे सेट करते हैं और यहाँ पे हमें रीडिंग मिल जाती है जो कि है 9.8। सो कुछ मल्टीमीटर्स आपको कुछ थोड़ी अलग रीडिंग देंगे, कुछ मल्टीमीटर्स अलग रीडिंग देंगे, तो उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसा होता है कि मल्टीमीटर्स में रीडिंग अलग अलग आती हैं। बट ज़्यादातर केसेस में जो टॉलरेंस होता है रेजिस्टर का उसके आसपास ही वैल्यू आती हैं। उसके बाद हम टेस्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर्स या फिर वेरिएबल रेजिस्टर्स। सो इसको टेस्ट करना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका कनेक्शन किस तरीके से लगा हुआ है। वैसे बेसिकली जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं उनमें पोटेंशियोमीटर्स में पहली और सेकंड लीड पे सबसे बड़ा वाला जो रेजिस्टर होता है वो लगा होता है और बीच में वाइपर कनेक्ट होता है जो कि इस तरीके से इस पे चलता है और रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो रेजिस्टर्स सबसे पहले चेक करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है। तो जब आप पोटेंशियोमीटर लेंगे तो सिंपली उस पे लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है B100K यानी कि 100 किलो ओम का ये पोटेंशियोमीटर है।
सो यहाँ पे 100K हम यहाँ पे मैच करेंगे, जैसे कि हम इसे 200K में लगा सकते हैं, तो हम इसको 200K पे सेट करेंगे। और उसके बाद आप इस तरीके से पहले टेस्ट कर सकते हैं कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो उतना है कि नहीं। तो अगर हम इसे टच करते हैं यहाँ पे सामने की लीड पे, तो 102 किलो ओम आ रहा है। सो ये टॉलरेंस के अंदर है, हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 100 एकदम करेक्ट आपको रेजिस्टेंस मिले। उसके बाद हमें बीच वाली लीड से और किसी साइड वाली लीड से टेस्ट करना होता है, जैसे कि हम किसी साइड भी टेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अब जब नोब को घुमाएंगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। अगर रेजिस्टेंस सही तरीके से प्रॉपरली चेंज नहीं होता है, या अचानक फ्लक्चुएट होता है, या बहुत ज़्यादा या बहुत कम अचानक हो जाता है, मतलब कि पोटेंशियोमीटर सही नहीं है। तो इसी तरह एक साइड से और फिर इसी तरह सेकेंड साइड से भी हमें टेस्ट करना चाहिए। जैसे कि इसमें हमने इस साइड से टेस्ट किया, तो यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस कम हो रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पे ये जो पोटेंशियोमीटर है, ये हमने टेस्ट कर लिया है और ये सही है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम पोटेंशियोमीटर में ये आती है कि ये चलते चलते इसका जो वाइपर है अंदर वो ढीला हो जाता है, और इस तरीके से कभी रीडिंग्स कम आती हैं तो कभी ज़्यादा आती हैं, यानी कि रीडिंग्स ज़्यादातर गलत आती हैं। इसी तरह हमारे पास ये ट्रिमर भी है, इसे ट्रिमर पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। इसके ख़ास बात ये है कि ये मल्टी टर्न है, यानी कि जैसे कि उसमें हमने 360 डिग्री या फिर उससे थोड़े कम डिग्री पे घुमाते हैं फुल रोटेशन के आसपास, तो उसमें 0 से 100 किलो ओम तक उसमें रेजिस्टेंस जो है चेंज होता है। बट इस केस में हमें इसे 10 बार घुमाना होगा, यहाँ पे जो इसकी नोब है जिसको हम किसी स्क्रू ड्राइवर से घुमाएंगे। जब हम इसे घुमाते हैं तो इसका जो 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, जैसे कि 10 किलो ओम का है, तो वो रेजिस्टेंस हम अगर 10 बार उसे रोटेट करेंगे तब जाके 0 to 10 किलो ओम या फिर 10 किलो ओम to 0 ओम पे फ्लक्चुएट होगा, यानी कि ये बहुत प्रिसाइज है। इसको भी बेसिकली उसी तरह टेस्ट करेंगे जैसे कि अगर हम इसके साइड बाई साइड टेस्ट करते हैं, क्योंकि इसका पिन आउट उसका पिन आउट सेम है। ये भी लगभग 10 किलो ओम के आसपास है, तो 9.8 किलो ओम। और इसी तरह बीच वाले वायर से जिसमें वाइपर लगा हुआ है उसे टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ये अभी 9.6 किलो ओम पे सेट है। अगर हम इसे घुमाते हैं किसी साइड पे तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, और उसमें जो फ्लक्चुएशन है उसमें हम देख सकते हैं। इस तरीके से हम पोटेंशियोमीटर या फिर ट्रिमर पोटेंशियोमीटर को भी टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे LDR है। LDR को भी टेस्ट करना बहुत ईजी है। जैसा कि आप जानते हैं कि LDR एक लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर होता है, तो ये भी जस्ट एक रेजिस्टर है और इसका भी हम रेजिस्टेंस नाप सकते हैं। LDR को नापने के लिए सिंपली हम रेजिस्टेंस मोड को यूज़ करते हैं, और जो LDR होता है उसकी कुछ रीडिंग होती है, कुछ फिक्स रीडिंग्स में LDR मिलते हैं, और उनका कुछ एक हाईएस्ट रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि इस टाइम जब कुछ हद तक थोड़ी बहुत लाइट है, यहाँ पे 17 किलो ओम यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और जैसे जैसे इसके सामने अंधेरा होगा ऐसे ही इसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो आपको लगभग ये 100K के आसपास का है, क्योंकि मैंने अभी इसे पूरी तरीके से ढक दिया है, तो 100 to 120 किलो ओम के आसपास इसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। और मिनिमम रेजिस्टेंस जल्दी पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि अगर इस पर आप लाइट देंगे तो इसका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। तो इस तरीके से हम LDR को टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम टेस्ट करेंगे डायोड को। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बहुत से डायोड हैं, जैसे कि ये है N4007, जो कि बहुत ही बेसिक रेक्टिफायर डायोड है, बेसिकली रेक्टिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको हम टेस्ट करेंगे। तो इसको भी टेस्ट करने के लिए हमें मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी या बजर मोड में रखना होता है, जो कि जिसमें हमने फ्यूज़ को चेक किया था, और यहाँ पे डायोड का सिंबल भी दिया हुआ है। डायोड जैसा कि हम जानते हैं कि सिर्फ़ एक साइड में, यानी कि एक तरफ से इसमें करंट फ्लो होता है, और इसलिए अगर हम प्लस माइनस सही लगाते हैं तभी जाके इसमें करंट फ्लो होता है। तो जैसे कि जो इसकी रिंग वाली साइड है ये माइनस होता है या फिर कैथोड, तो अगर हम इस तरीके से इसको टच करते हैं प्रोब्स को, तो आपको यहाँ पे रीडिंग्स मिलती है। जो यहाँ पे रीडिंग दी हुई है ये फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है, जैसे कि 602 है, तो 602 मिली वोल्ट का जो है आपको ड्रॉप मिलेगा, मतलब कि
जो डायोड है जब भी उसमें से करंट फ्लो होता है उसमें कुछ अमाउंट में वोल्टेज घट जाता है, तो इसमें 0.6 वोल्ट घट जाएगा। ऐसे ही हम इस वाले मल्टीमीटर से भी इसको टेस्ट कर देते हैं। तो इसके लिए हम जैसे इसको डायोड टेस्टिंग मोड में रख देते हैं, और जैसे हमने प्लस वाली या एनोड वाली साइड टच कर दी है और नेगेटिव साइड में इसे टच करेंगे, तो ये मल्टीमीटर भी लगभग उतना ही दिखा रहा है। तो जो 0.6 यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये इसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है, यानी कि जो मल्टीमीटर जो डायोड है उसको अगर हम लगाते हैं सीरीज़ में तो 0.6 वोल्ट का आपको वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। ऐसे ही हम इस डायोड को भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इस डायोड में देखें तो इसमें ख़ास बात यह है कि इसका वोल्टेज ड्रॉप बहुत ही ज़्यादा कम है। ये कोई शॉर्ट की डायोड या फिर कोई बहुत फास्ट स्विचिंग डायोड लग रहा है, क्योंकि इसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि ये डायोड सिर्फ 0.18 वोल्ट ही ड्रॉप करेगा। ये हर डायोड का अलग होता है, ये अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती हैं, उसके हिसाब से डायोड की जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है वो होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जीनर डायोड को कैसे टेस्ट करते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे अलग अलग वोल्टेज के जीनर डायोड हैं। अब जैसे कि हम ये 3.3 वोल्ट वाला जीनर डायोड लेते हैं, और अगर हम इसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि जीनर डायोड फॉरवर्ड और रिवर्स बायस दोनों में काम करता है, तो जैसे कि अगर मैं इसे रिवर्स बायस में ट्राई करता हूँ तो ये 2.4 दिखा रहा है। वैसे तो ये रीडिंग अभी गलत आ रही है, तो सबसे पहले इसे फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल डायोड की तरह टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें नॉर्मल डायोड की तरह किसी 0.752 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि बेसिकली थोड़ा ज़्यादा है किसी जीनर डायोड किसी जर्मेनियम डायोड के लिए। बट क्योंकि हम जानते हैं कि जीनर डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, तो ये काम इस तरीके से करता है कि अगर हम इसे रिवर्स बायस में, यानी कि अगर हमारे पास नेगेटिव वायर है उसको हम यहाँ पॉजिटिव यानी एनोड साइड में लगाते हैं, तो अगर 3.3 वोल्ट अगर रीच करता है, यानी कि अगर 3.3 वोल्ट अगर सोर्स में से आता है तभी जीनर डायोड चालू होता है और तभी इसके थ्रू करंट फ्लो होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने यहाँ पे 5 वोल्ट लगाया और उस साइड आपको 3.3 वोल्ट मिल जाएगा, नहीं, आपको 5 वोल्ट से थोड़ा कम मिलेगा जो कि जीनर डायोड से माइनस होने के बाद वो वोल्टेज मिलेगा। तो मतलब यह है कि जीनर डायोड सिंपली सीरीज़ करने पर वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम नहीं करता, और इसलिए हम अगर इसे रिवर्स बायस में लगाते हैं तो जो वोल्टेज हम सप्लाई करते हैं उसके आसपास का वोल्टेज हमें मिलता है। तो इसको हम मल्टीमीटर से तो बेसिकली टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर आपके पास वेरिएबल पावर सप्लाई है तो आप यहाँ पे इसको रिवर्स बायस में लगाएंगे, और जब जैसे ही आप इसके थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे रीच करेंगे और जैसे ही उस वोल्टेज को क्रॉस करेंगे जीनर डायोड काम करने लगेगा। और वैसे भी अगर आपको सिंपली टेस्ट करना है तो आप इसको फॉरवर्ड बायस में किसी नॉर्मल डायोड की तरह डायोड मोड पे मल्टीमीटर से टेस्ट कर सकते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ जीनर डायोड सही है। उसके बाद हम एलईडीज टेस्ट करेंगे कि एलईडीज को मल्टीमीटर से कैसे टेस्ट करना है। तो एलईडीज तो बहुत आसान है, आप बेसिकली कोई भी पावर सोर्स लगाकर एलईडी को चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये कुछ 5 मिलीमीटर एलईडी है और कुछ 3 मिलीमीटर एलईडी हैं। तो जैसे कि हम एलईडी को डायोड टेस्टिंग मोड पे टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एलईडीज भी डायोड होती हैं। हम इस तरीके से वायर्स को लगाते हैं, तो कुछ एलईडीज आप देखेंगे कि कुछ एलईडीज जलती हैं, और जैसे कि जो यहाँ पे रीडिंग आ रही है, यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है ये रीडिंग ये बताती है कि जो ये एलईडी है या फिर ये जो डायोड है इसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप क्या है, यानी कि इसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है 1.7 वोल्ट। यानी कि अगर आप इस एलईडी को 1.7 वोल्ट से जलाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एलईडी सही तरीके से वर्क करेगी। इसी तरह हर एलईडी का कलर के हिसाब से फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप या जो उनको वोल्टेज चाहिए होता है वर्क करने के लिए वो अलग होता है। जैसे कि इस एलईडी का अलग था, और ऐसे ही अगर हम दूसरी एलईडी टेस्ट करेंगे तो उसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है वो डिफरेंट होगा। तो जैसे कि इसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है 2.2 वोल्ट, तो यानी इस एलईडी को 2.2 वोल्ट चाहिए वर्क करने के लिए। ऐसे ही अगर हम इस एलईडी को टेस्ट करते हैं जो कि एक ब्लू कलर की एलईडी है, इसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है ये ज़्यादा होगा। वैसे तो यहाँ पे हमें 3.6 वोल्ट देखने को मिल रहा है,
बट एक्चुअल में इस एलईडी का जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है वो इससे ज़्यादा है। सो हमेशा आप ये रीडिंग देखकर नहीं बता सकते कि जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है वो कैसा है, कितना एलईडी का है। इसके लिए आपको एलईडी की डेटा शीट वगैरह देखनी होगी। जो सबसे अच्छा तरीका है एलईडी को टेस्ट करने का, अगर आपके पास वेरिएबल पावर सप्लाई है तो आप सीरीज़ में तो आप उससे टेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप मल्टीमीटर को करंट मोड में लगा के एलईडी से, जैसे कि सेफली हम 20 मिली एम्प्स किसी भी लगभग एलईडी से पास कर सकते हैं। तो 20 मिली एम्प जिस पोजीशन पे 20 मिली एम्प्स फ्लो होता है उस वोल्टेज पे हम एलईडी को रन कर सकते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो एलईडी को टेस्ट हम बहुत इजीली कर सकते हैं। जस्ट अगर आपके पास वेरिएबल पावर सप्लाई नहीं है तो आप 3 वोल्ट के दो 1.5 वोल्ट के डबल ए सेल यूज़ कर सकते हैं और उससे भी आप एलईडी को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एलईडी 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, तो इसमें भी अलग अलग एलईडीज़ जो हैं लगी हुई हैं, और यहाँ पे ये बीच में इसका एक कॉमन है जो कि माइनस है। सो हम अगर इसे यहाँ पे लगाते हैं और टेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे एलईडीज़ दिखेंगी। सॉरी, ये कॉमन एनोड है इसलिए मुझे प्लस साइड यहाँ लगाना होगा कॉमन पे। और जैसे कि आपने देखा कि मैं अगर अलग अलग जगह यहाँ पे टच करता हूँ इसे, तो यहाँ पे अलग अलग पोजीशन की एलईडी जलती हैं। सो इस तरीके से आप एलईडीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, इस टाइप की डिस्प्ले वगैरह को टेस्ट करने के लिए आपको इनका डेटा शीट देखना होता है। तो आप सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि जो इनके वायर्स हैं या एलईडीज़ हैं किस तरीके से लगी हुई हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद अभी और टेस्टिंग की वीडियो होगी, क्योंकि मैंने अभी बहुत से कंपोनेंट्स इंक्लूड नहीं किए हैं और वैसे भी अभी बहुत से कंपोनेंट्स रह गए हैं। तो इसका अभी Part-2 या फिर उससे ज़्यादा भी पार्ट हो सकते हैं, जिसमें मैं कंपोनेंट्स के बारे में टेस्ट करने के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद इन सब कंपोनेंट्स की एक एक इंडिविजुअल वीडियो भी होगी जिसके बारे में मैं इन कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा, और बहुत डिटेल्ड में जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में बताऊंगा। बट इनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैं वीडियो को स्प्लिट करूंगा। हो सकता है कि कुछ वीडियो को मैं स्प्लिट करके पार्ट्स में रखूँ। सो ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई, बट आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।